दोस्तों हम जब अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर ये मंदिर दिखाई देता है और इस मंदिर में एक गाना भी शूट हुआ है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है करण अर्जुन फिल्म का। अगर ये पूरा किला तैयार था तो ये स्क्रैप क्यों पटका हुआ यहाँ पे ना, क्योंकि इसका मतलब इसमें काम चल रहा था। तो भाई देखो ये है मज़ा, ये है जंगल में मंगल। दोस्तों अभी आ चुके हैं अंदर और अभी हम भानगढ़ किले के अंदर हैं और चल रहे हैं ऊपर की तरफ, वहाँ का सीन देखते हैं, यहाँ का सीन आह क्या नज़ारा है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जो भूतों के नाम से जानी जाती है, जो भारत देश है उसमें भूतों के नाम से उसे हम जानते हैं। और ये जगह स्थित है राजस्थान के अलवर ज़िले के राजगढ़ तहसील में, ये स्थित है जिसका नाम है भानगढ़ का किला। जी हाँ मेरे दोस्तों, भानगढ़ का किला। आज आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जो भानगढ़ का किला है इसे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मनीष ढाडोली। ये एक व्लॉगिंग का चैनल है दोस्तों, इसमें मैं व्लॉग वीडियो लगाता हूँ और फिल्म शूटिंग लोकेशन भी लगाता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और साइड में घंटी का बटन है उसे भी दबा देना। आज वैसे काफी गर्मी है और अभी करीब 10:30 के आसपास का टाइम हुआ है। दोस्तों ये जो भानगढ़ का किला है उसका जो मेन गेट है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये मुख्य द्वार है भानगढ़ के किले का। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं भानगढ़ फोर्ट का जो ये मेन रास्ता है यहाँ पे हम पहुंचे हैं। और अभी आपको एक चीज बताऊँ, पहले यहाँ पे टिकट नहीं लगती थी और अब ये टिकट लगने लग गए यहाँ पे, पहले कोई चार्ज नहीं था, कुछ नहीं था। दोस्तों यहाँ का जो ये सीन है ये कुछ इस तरीके से सीन है, जो ये एक छोटा सा मार्केट है, यहाँ पर कभी लोगों की चहल पहल थी, अब ये बिल्कुल एक खंडर है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, मतलब ये छोटा छोटा सा बने हुए हैं जो भी दुकानें हैं, जो ये नगर बसा है एक छोटा सा है। और ये देख रहे हो आप, और एक यहाँ पे ये कुटिया है, ये वाली कुटिया, इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास है। ये इसका जो यहाँ का नज़ारा है, ये चारों तरफ पहाड़ हैं इसके और यहाँ पर एक महल टाइप का भी बना हुआ है। तो हम अभी अंदर चलने वाले हैं और अंदर चल के आप लोगों में पूरा सीन दिखाने वाला हूँ। दूसरा जो बड़ की वो बड़ का पेड़ है वहाँ का भी सीन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और ये जो ये पूरा अंदर ही जा रहा रास्ता, तो हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं और फिर मैं आप लोगों को आगे चल के जो यहाँ का सीन है वो सीन दिखाऊँगा। दोस्तों अभी चलते हैं हम अंदर की तरफ और यहाँ पर देखो ये पुराना जो बना हुआ था उस टाइम का, ये अभी इसमें कुछ रखा हुआ है मेरे हिसाब से, इसमें ये चूना रखा हुआ है, यहाँ पर इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। दोस्तों अभी हम आए हैं अंदर, थोड़ा सा ये जगह थोड़ी सी अंदर चल गई है और अभी मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ इसमें मोढ़ों की हवेली। मोढ़ों का मतलब मुझे भी पता नहीं क्या है, पर आप लोगों को मोढ़ों की हवेली दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अभी हम चलते हैं मोढ़ों की हवेली की तरफ। ये जो सीन है ये देख रहे हो आप, ये मोढ़ों की हवेली का सीन है। और ये एक इसमें छोटा सा द्वार और है, अभी इसको अंदर भी चल के देखते हैं। और यहाँ पर पास में देखो इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है इसके बारे में, मोढ़ों की हवेली ये लिख रखा। और यहाँ पर पास में एक कुइया भी है, पानी की कुइया, जो लगभग अब तो हर जगह ख़त्म हो चुकी है। और इसके अंदर देखते हैं क्या है। ओह इसके अंदर अभी भी पानी है देख लो, और ज़्यादा ये करीब 10-11 फुट, मतलब 10-11 फुट होगा। दिखाता हूँ एक भी, इसके अंदर पत्थर डाल के देखता हूँ, ये देखो ज़्यादा अंदर नहीं है। अभी इसके अंदर चलते हैं, मोढ़ों की हवेली के अंदर चलते हैं, वहाँ का सीन दिखाता हूँ अंदर चलकर। इसका मेरे हिसाब से इसकी मरम्मत की गई है, रिपेयर किया गया है इसे ना, क्योंकि यहाँ की बनावट है जो अलग तरीके की है, इसे रिपेयर किया गया है, ये देखो। और अंदर ये
यहाँ पर ये छोटी सी सीढ़ी है, पर पता नहीं यहाँ जाके बंद हो जाती हैं। और ये इसमें सीढ़ी, यहाँ पर भी सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, पर मैं ऊपर जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को आगे के जो सीन है इससे काफ़ी अच्छे अच्छे सीन है वो दिखाने वाला हूँ। ये जो ये रास्ता है, ये इस नगर का जो मेन रास्ता है, और अभी हम आए हैं इस रास्ते से, यहाँ से आए हैं। और आप ये देख रहे हो, ये किसी टाइम पे ये दुकानें थी, अब ये बिल्कुल खंडर हैं इस टाइम पर। ये जो देख रहे हो यहाँ पर जो ये नगर है, इसके मतलब छत नहीं है, किसी के ऊपर भी छत नहीं है, पूरा पूरा उजड़ा हुआ ये ना, ये देखो। और यहाँ पर एक मंदिर यहाँ पर है इधर की साइड में, और अंदर चलते हैं, एक गेट और है इसके अंदर, और एक ऊपर ये कुटिया बनी हुई है ऊपर ना, ये देख रहे हो। चलते हैं हम अंदर की तरफ, वैसे यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आए हैं घूमने के लिए। ये गेट और है यहाँ पर, एक ये पुराना बरगद का पेड़ है, यहाँ पर एक मंदिर और है, हम उधर आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं मुझे दिख रहा है, तो वहाँ पर और जाने की हम कोशिश करेंगे। और आप लोग दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर एक पानी चल रहा है, पता नहीं ये कुदरती पानी आता है या फिर इन्होंने कोई मोटर वगैरह चलाई हुई है। तो चलिए इस पानी को दिखाता हूँ और यहाँ पे पैर वैर धोते हैं, फिर अंदर चलते हैं, हम भानगढ़ के किले में प्रवेश करने ही वाले हैं। ये पानी आ रहा है इधर से, इधर की साइड से ये पानी आ रहा है, पता नहीं किधर जा रहा है, पर ये इधर जा रहा है इधर पर। एक चीज़ है, ये पानी मतलब बहुत साफ़ है और चिल्ड भी है। हाँ हाँ, मज़ा आ गया, पैर धो के हम चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर का सीन दिखाते हैं वहाँ। अभी हम आए हैं अंदर की तरफ, और अंदर का जो एक और गेट पड़ता है यहाँ पे, मेन गेट, और इसके पीछे पीछे एक मंदिर है, पीछे ये मंदिर है, इसको देखते हैं चल के क्या है इसके अंदर क्या नहीं। ये पर इसका जो मेन गेट है, यहाँ से हम जाने वाले हैं, पहले एक गेट पार किया था, ये इसका दूसरा वाला गेट है। और ये देखो, ये मासूम बंदर देखो, आहा। पहले यहाँ पर पहले का पत्थर ये था, ये लगा हुआ था पत्थर, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरी इंग्लिश इतनी तेज नहीं है। और यहाँ पर ये, और देखो इस बंदर ने क्या किया है, ये बाबा का प्रसाद लेके ना ये खाने लग गया। ये इसने दो तीन और बुला लिए, और इस पे यहाँ पे लिखा, हमारी विरासत हमारा गौरव। ये देखते हो आप, ये इसका जो मेन गेट है वो किस तरीके से बना हुआ है, पहले के जमाने का ये गेट है लोहे का। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी जो भानगढ़ का जो किला है उसका एक दूसरा गेट है, ये वाला गेट, इसे मैं पार करके अंदर आ चुका हूँ। और अभी यहाँ का जो सीन है वो आप लोगों को मैं पूरा बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ, बढ़िया सीन है, एकदम मस्त सीन है, देखना वीडियो पूरी, बहुत ही अच्छा सीन है। देखो वो पीछे भानगढ़ का जो पीछे दिख रहा, वो भानगढ़ का किला है ऊपर। दोस्तों हम जब अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर ये मंदिर दिखाई देता है, और इस मंदिर में एक गाना भी शूट हुआ है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, करण अर्जुन फिल्म का ये मंदिर है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से ये वो मंदिर है। और एक मंदिर अंदर भी है, ये यहाँ का एक पार्क है, और यहाँ पर कुछ रिपेयर किया है, पहले इसमें किसी ज़माने में ये दो गेट नहीं थे, एक गेट था, ये दो गेट अब बने हुए हैं, ये बीच का जो पिलर है ये तोड़ दिया। और जो ये आप देख रहे हो, ये जो इसमें गेट लगाया गया है, ये जो लोहे का गेट है, ये पहले ज़माने का नहीं है, ये इसे लगाया गया है अभी ना। दोस्तों अभी चल रहे हैं हम अंदर की तरफ, और एकदम ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा आ रही है ऊपर की तरफ से, बारिश हुई थी यहाँ पर कुछ दो तीन दिन पहले, तो अच्छा मौसम है। और अभी हम एक मंदिर है उसकी तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद में मैं आप लोगों को भानगढ़ का किला है जो उसके अंदर लेकर मंदिर से एक सीन देखो, ये कितना शानदार सीन दिखाई देता पहाड़ का, जो खजूर के पेड़ हैं ये देखो ये वाला। और अभी चलने वाले हैं मंदिर के अंदर, और ये मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं आप देख रहे हो, ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं इनसे हम जाने वाले हैं ऊपर। ये सोमेश्वर जी का मंदिर है, इनसे चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं अंदर से क्या मिलता है हमें, क्या मूर्ति वगैरह जो भी है इसके अंदर। ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, सीमेंट चूने का तो कोई काम ही नहीं है इसके अंदर ना।
ये वो मंदिर है। ये वाला मंदिर है, अंदर से इस तरीके का दिखाई देता है ये ना। इसमें एक झूमर लटकाने के लिए कुछ बनाया गया है ये वाला। दोस्तों यहाँ पर ना ये खजूर के पेड़ हैं और पीछे भानगढ़ का जो किला है, और अभी हम चलने वाले हैं किले के अंदर। हम चलते हैं किले के अंदर और वहाँ पर वीडियो शूट करते हैं। पहले इधर से लोगों की काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है लोगों की, बहुत देखने के लिए आते हैं। कभी यहाँ पे कोई आता नहीं था किसी ज़माने में, और आज यहाँ इतने लोग आते हैं बहुत ही ज़्यादा। देखो दोस्तों, ये भानगढ़ का जो किला है उसका मेन गेट है ये, आप देख रहे हो, ये मेन गेट है। और हम चलने वाले हैं ऊपर, और ऊपर से आप लोगों को आसपास का एरिया भी दिखाएंगे। जो यहाँ का एरिया है एकदम मस्त सीन है। दोस्तों ऊपर की तरफ चलते हैं, और हम अभी बिल्कुल ऊपर वहाँ पर जाने वाले हैं। चढ़ाई ये, और ये पत्थर जो हैं बिल्कुल फिसलन हुए हैं पूरे ना, और गर्मी तो बहुत तेज है। मस्का निकल रहा है यार पूरा ना। ये गेट है, और यहाँ से हम आए हैं इधर के रास्ते से, अब ऊपर चलने वाले हैं और अंदर से जाके देखते हैं जो भी सीन है। दोस्तों हम अभी आ चुके हैं जो भानगढ़ का जो किला है उसके ऊपर, और ये देखो ये वहाँ का सीन दिखाई दे रहा है। कमल भी वीडियो बनाने में पूरा बिजी है। और ये भानगढ़ का किला अभी इसके अंदर से और जाके दिखाने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा खंडर है, वो खंडर दिखाएंगे अंदर चल के, फिर आपको ऊपर से जो नीचे का नज़ारा है फिर वो नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों अभी आ चुके हैं अंदर, और अभी हम भानगढ़ किले के अंदर हैं और चल रहे हैं ऊपर की तरफ, वहाँ का सीन देखते हैं। यहाँ का सीन क्या नज़ारा है। आगे हम ऊपर ना, और यहाँ का सीन दिखा, यहाँ पर आए हैं। देखो ये पत्थर है और ये पूरा खंडर है। ये इसका एक साइड का हिस्सा है जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये एक साइड का। पर आप लोगों में एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो अगर ये पूरा किला तैयार था तो ये स्क्रैप क्यों पटका हुआ यहाँ पे ना, क्योंकि इसका मतलब इसमें काम चल रहा था। और देखो ये यहाँ पर भी ये पूरा है, जो ये स्क्रैप पड़ा हुआ है, जो ये काम चल रहा था उस टाइम का। कोई कहता है यहाँ पे भूत हैं, कोई कहता है यहाँ पे बाबा जी ने शराब दिया। तो ये यहाँ पे देखो, अगर ये पूरा कंप्लीट होता किला तो ये पत्थर स्क्रैप क्यों पड़ा होता यहाँ पे ना। कमल भूत वूत मिला भाई, मुएर को तो कुछ ना मिलो भूतनी, दो कमरा में लग रही। और देखो ये, देखो ये मतलब पूरा ये तैयार ही नहीं हुआ ये ना। और लोग कहते हैं यहाँ पर मतलब शराब दिया था बाबा जी ने, बाबा जी की रानी से सेटिंग थी, ये जो कहते हैं। मुझे तो ये सब झूठ लगता है। और भाई हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये झूठ भी है, हो सकता है सच भी है ये। अभी मैं दूसरी साइड और जाने वाला हूँ, दूसरी साइड का जो सीन दिखाऊंगा वो सीन दिखाऊँ। और देखो आपको एक सबसे मस्त नज़ारा दिखाता हूँ, देखो चलता हूँ दिखाता हूँ। देखो ये नज़ारा, ड्रोन नहीं है मेरे पास में, पर ये जो ड्रोन वाला सूट आ रहा है बिल्कुल ना, पूरा ड्रोन वाला सूट है। तो ये नज़ारा था एक तरफ का, और अभी मैं दूसरी साइड और चलने वाला हूँ। दूसरी साइड का जो सीन है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले मैं वहीं चलता हूँ, टॉप पर चलता हूँ, टॉप से दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को अब ख़त्म कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है वीडियो ना बड़ी। तो मैं आप लोगों को ऊपर चल के एक बार सीन दिखाता हूँ, और कुछ सीन में दिखाने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। हो सकता है अंदर भी मैं जाऊँ तो वहाँ के सीन भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। भाई ये दूसरी तरफ का हिस्सा है, और देखो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो ये डिज़ाइन देखो आपने, ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, इतना प्यारा डिज़ाइन है ये देखो। और मैं अभी पहले पूरा यहाँ से दिखा देता हूँ, फिर ऊपर चल के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसे ना। देखो ये बिल्कुल खंडर है पूरा,
ये जो दिखाई देता है ये खंडर है, ये वाला ये पूरा खंडर है, और यहाँ से जो नीचे का नज़ारा है यहाँ से ऐसा दिखाई देता है इस एंगल से, और इसके अंदर बीच में खाली है ही, वहाँ का सीन भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, अभी मैं चलता हूँ ऊपर और वहाँ से पूरा नज़ारा। मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा एक बार में ही आ जाए जो ये सीन है, इसको ऊपर चल के दिखाता हूँ टॉप रोप पर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी ऊपर और मेरी जो सांसें हैं वो लगी हैं बिल्कुल फूलने, मैं बिल्कुल ऊपर हूँ। इससे ऊपर यहाँ का कोई नज़ारा नहीं है, आप लोग देख सकते हो वीडियो में, और यहाँ से नीचे का सीन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में दूर मंदिर हैं दो, कोशिश करूँगा दिखाने की आप लोगों को मैं ये जो मंदिर है। चलिए बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोगों को, हालत ख़राब हो गई गर्मी में। दोस्तों ये बिल्कुल मैं इसका जो सीन ले रहा हूँ वो टॉप से ले रहा हूँ, बिल्कुल टॉप से ये सीन देख रहे हो आप। इसके अंदर बीच में वैसे एक मकान था और कुछ नहीं था, बाकी जो ये चौक टाइप का होता है, और यहाँ से ये मंदिर की झंडी लगाई हुई है। और देखो यहाँ पर मैं इन सीढ़ियों से आया हूँ, पतली सी गली है एक, और ये इनका जो मतलब छत है ना, जो छत तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि है तो थोड़ी आप लोगों को फूटी मिलेगी, चाहे थोड़ी ही क्यों नहीं मिले। दूसरी तरफ चलता हूँ दोस्तों, एक सीन यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये जो पहाड़ियों से ये खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ से ये पूरा सीन इस तरीके का, हवा चल रही है मस्त ऊपर, और ये पूरा सीन देख सकते हो आप कितना शानदार सीन है ये वाला सीन, इसका जो ये पूरा है, और इसका जो पीछे का एरिया है वो है ये, यानी कि ये पूरा बिल्कुल एक पहाड़ी पर बना हुआ है। ये बाबा जी की कुटिया भी यहाँ से नज़दीक दिखाई देती है, और ये सीन है, मेरे को तो ये सीन बार बार देखने में बहुत मज़ा आ रहा है ये सीन ना, और कैमरे के अंदर तो ये एकदम शानदार सीन आ रहा है, देखो एकदम शानदार सीन आ रहा है, ओन ड्रोन वाला मज़ा आ रहा है, ड्रोन से शूट कर रहे हैं उस तरीके का ना। मेरे दोस्तों अभी हम गए थे ऊपर भानगढ़ किले में, फिर वहाँ से एक छोटा सा यहाँ पे खंडर टाइप का और है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, हो सकता है हमें कोई भूत मिल जाए। ऊपर तो हमें कोई भूत नहीं मिला, बस एक भूत था वो था कमल, और हमें कोई भूत नहीं मिला, और हम चलते हैं अभी ऊपर, वहाँ का सीन दिखाता हूँ। और देखो यहाँ पर जंगल में मंगल हो रहा है, दिखाता हूँ बैक कैमरे से आप लोगों को। तो भाई देखो ये है मज़ा, ये है जंगल में मंगल, और देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ पर देखो ये बेचारी गाय खड़ी है बाहर डर के मारे, और ये देखो ये भैंस सांड जो भी है ये जंगल में मंगल कर रहे हैं। कमल नहाले थोड़ा सा भाई, कहूँ देखो भाई कमल को गर्मी भी लग रही है ना, पर कमल वीडियो शूट करने में इतना बिजी है कि नहाने की फुर्सत नहीं है इसको ना। मैं तो नहाऊंगा भाई, वीडियो बनाने के बाद में नहाऊंगा। तो दोस्तों अब भी हम चलते हैं, देखो यहाँ पे एक खंडर है, इस खंडर को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ना, ये वाला खंडर, वहाँ पर जाऊँगा खंडर दिखाऊँगा। और यहाँ पर देखो कुछ मुझे अलग दिखाई दिया यहाँ पे ना, ये वाला सिस्टम, ये आप देख रहे हो ये गरठ बोलते हैं इसे, ये चूना पत्थर मिक्स करने के काम में आता था। कमल घुमान थोड़ा, चूना पत्थर मिक्स कर रखा है। हाँ ये बजरी, कड़ी बजरी, इसे आज भी काम में लिया जाता है। दोस्तों ये एक खंडर टाइप का है कुछ बना हुआ, तो इसके अंदर हम नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पर रास्ता है नहीं कुछ जाने के लिए, और हरियाली इतनी है कोई सांप सड़ू का हो खा जाए, इस वजह से हम नहीं जा रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, हम आगे मंदिर की तरफ नहीं गए क्योंकि वैसे ऐसी थोड़ी तबीयत सी ख़राब होने लग गई, इस वजह से हम मंदिर की तरफ नहीं गए, और हमारी हालत वास्तव में ख़राब है सही बताऊँ, और मेरे माइक का जो ये पॉप फिल्टर होता है ये भी गिर गया, तो इस वजह से। दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो इसे लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।